क्या करके देखना है? छू के देखना है क्या? कुछ और सोच के आ गए आप यहाँ पे? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है मेरी वेबसाइट पे, उसमें से रैंडमली जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उन्होंने आप लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करें, सो बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू। कितने पुराने पापी बैठे हैं आप में से, यानी कि मेरी कितने ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी है? हाँ, सारी देखी है। कोई ऐसा भी खच्चर है यहाँ पर जिसने मेरी एक भी वीडियो नहीं देखी फिर भी आ गया है? एनी ढीट ऑफ दिस काइंड? हाँ नहीं है, होगा भी तो हाथ नहीं उठाएगा, घबरा गया है, हो जाता है जी। अरे देखेगी आपकी गर्लफ्रेंड, याद रखना, हाँ छोड़ छाड़ देगी। बहुत मजा आ गया सर आपको देख के। पहले लड़कों को ऐसा मजा पॉन में आता था, कहीं और ही आ रहा है, वक्त बदल रहा है। हाँ बड़ा अमीर हो गए। अरे तो सर मतलब मेरे सब लोग बोलते थे कि नहीं कर पाया, क्या करेगा, क्या करेगा, सोच, तो फिर मैं क्या कर लूंगा। एक बंदा था मतलब जो मेरे मोबाइल पे था, वो कहता था कि आसान है करता यार। कौन था वो, कौन था वो? ओ अच्छा, अच्छा। और लड़कियां वहां पे भी मुंह करके शर्मा रही है, ये तो मेरी बात कह रही है, मेरे दिल की बात बोल गई। हाँ बोलो। हेलो सर, सर आपसे दोनों साथ में पहले लड़ो आपस में, एक दूसरे के बाल खींचो, नोचो एक दूसरे को, जो जीतेगा वो बोलेगा। ऐसे ही होता है लाइव सेशन, आप लोगों को पता नहीं है, लड़वा देता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि मेरा पैदा होना सफल हो गया। बात, हाँ, ये आई कोई मजेदार। आप में से जिन लोगों के पास में भी कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आप वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम एक तरीके की वोटिंग करेंगे, जिस क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे या मैक्सिमम लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे, बस उन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। आप बोलिए। सर क्वेश्चन इज कि हम जो एज है इस टाइम सबकी 20 to 25 के बीच में हो गया आई गेस, तो इस टाइम पे एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है करियर, तो सर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ग्रेजुएशन या 12th के बाद बिजनेस करने लग जाओ या फिर अपनी लाइफ की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करो और उसके लिए MBA करने जाओ और फिर चाहो कि हमें जॉब मिल जाए एटलीस्ट 50-60,000 की, जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारी फैमिली सिक्योर हो, और बिजनेस ना करो क्योंकि उसमें लाइफ का रिस्क है। हाँ उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कितने चाहते हैं ये हो आज, मतलब आई वांट। हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो अभी डिसीजन कैसे लें कि हम बिजनेस करें या जॉब करें? नंबर वन, आपको खुद को देखना है कि आपके अंदर से कितना स्ट्रांगली आ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर औरों को देख करके, किसी को देखा, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं उनका लाइफस्टाइल देखा, अरे एक से बढ़कर एक गाड़ियां है, ये है वो है, उनको पैसा है, ये सब कुछ है, उसको देख करके क्या हमारे अंदर से आ रहा है, या खुद हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं तो आई एम मेड फॉर दिस ओनली, देन रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी अगर कुछ हो गया एक दो साल के अंदर अंदर, नथिंग लाइक इट, बहुत ही बढ़िया है, और कुछ नहीं हुआ तो अभी भी MBA का ऑप्शन तो ओपन है ही, क्योंकि बिजनेस में क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज पॉसिबल, इन जॉब इट इज नॉट पॉसिबल, इन जॉब एवरीथिंग टेक्स टाइम, वहाँ पे बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका डेली इंक्रीमेंट होगा, इट्स नॉट पॉसिबल जी, साल वेट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, बिजनेस में डेली होता है इंक्रीमेंट, डेली ऑलमोस्ट, अगर बिजनेस क्लिक कर गया तो हमारे पोटेंशियल पे होता है सर वो। हाँ आपके पोटेंशियल पे भी होता है, आपके आइडिया पे होता है, जो आगे क्लाइंट्स है उनके एक्सेप्टेंस पे होता है, आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच करके कुछ किया, लोगों ने कहा क्या बकवास है, खेल खत्म। तो जब ये दो चीजें जाकर के मिल जाती है ना, यानी अगर देखा जाए तो दो चीजें मैं बोल रहा हूं लेकिन है एक ही चीज, कि आपकी समझ कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, अगर ये गहराई से हमको समझ आ जाए तो बिजनेस में आप बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि डू यू रियली फील कि आप चीजों को समझ पाते हो,
जैसे मेरे सेशंस देखते हो तो कितना डीपली समझ आता है, या फिर कोई सेशन है जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है तब तो मजा आता है, जैसे ही सेशन डीप होता है एकदम लिंक टूट जाता है, आप कहते हो यार ये क्या कचर पचर हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है, तो देन बिजनेस इज नॉट फॉर यू. योर बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स. बहुत लोग बहुत डिजायर्स की वजह से बिजनेस करते हैं, बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं, बाद में पता लगता है कुछ भी नहीं आया यहाँ से. तो यानी आप कह सकते हो ये दुनिया के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कम से कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाए. बट इस कॉम्प्लिकेटेड